हाय स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज का जो चर्चा का विषय करने वाला है आपके बीच में, याद रखिएगा मेरे लाडलो, स्पेशल झारखंड। जी याद रखिएगा कि झारखंड में रामगढ़ की बात बता रहे, क्या बोल रहे, रामगढ़। क्या बोले? रामगढ़। याद रखिएगा रामगढ़ की स्थापना कब हुआ था? 1368 में। कब बता मेरे लाडलो? 1368 में। जी और याद रखिएगा रामगढ़ का स्थापना किसने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। किसने किया था? बागदेव सिंह। याद रखिएगा मेरे लाडलो, रामगढ़ का स्थापना किया था। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो सवाल बता रहा है आपको। रामगढ़ की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा बागदेव सिंह ने किया था। क्या बताए? बागदेव सिंह ने किया था। किसकी स्थापना? रामगढ़ की स्थापना। और कब किया था? याद रखिएगा मेरे लाडलो, 1368 में। जी और याद रखिएगा अपनी जो पहली राजधानी बनाई थी सिसिया। क्या बोले? सिसिया। हाँ सिसिया आते ना हम लोग झाल, हाँ तीखा खा लेते, क्या लगता है? सिसियाने लगते हैं। जी तो याद रखिएगा रामगढ़ की अपनी जो राजधानी पहली बनाई थी बागदेव सिंह ने, वो बनाई थी सिसिया। क्या नाम बोले? सिसिया बताया आपको। जी और याद रखिएगा झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम से हुआ। कहां से बताया? सिंहभूम। जी और याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड में खड़ग दिया। क्या नाम बताया? खड़ग दिया। दो बता रहे राज्य की स्थापना, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुआ था। जी कब बताया? रामगढ़ की स्थापना कब बताया? 1368 में हुआ था। किसने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। हाँ और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, क्या बताया? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। किधर से बताया? सिंहभूम की ओर से बताया। जी और याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड में स्थित खड़ग दिया 15वीं सदी के एक महान जिसका नाम था हंसराज। क्या बोले? हंसराज। याद रखिएगा इसी ने खड़ग दिया राज्य की स्थापना किया था। इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि खगड़िया राज्य की स्थापना कौन सा शताब्दी में हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में। जी और किसने किया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, हंसराज ने किया था। जी और चर्चा करेंगे आपके कि झारखंड में सूर्यकुंड मेला, क्या बताएं? सूर्यकुंड मेला। याद रखिएगा सूर्यकुंड जो जलप्रपात है यह हजारीबाग में स्थित है। हाँ, हजारीबाग ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से बोले? दो शब्दों से बोले हजारीबाग। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि सूर्यकुंड का मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो हजारीबाग में होता है। हाँ सूर्यकुंड का मेला कहाँ बताएं? हजारीबाग में। हजार बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो हजारीबाग को कहा जाता है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो हजारीबाग में स्थित है। जी याद रखिएगा ये जो मेला सूर्यकुंड का जो मेला लगता है ये मकर संक्रांति के दिन लगता है। किस दिन बताएं? मकर संक्रांति के दिन लगता है। और ये मेला 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक बताएं? 10 दिनों तक चलता है। जी सूर्यकुंड का गर्म जल का तापमान भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में सर्वाधिक है माना जाता है। ये कहा जाता है ये सही में है 88 डिग्री सेल्सियस। कितना बताएं? 88 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है जल का। मतलब खाना बनाना है या गर्म किसी को डाल देना है, पकाने के लिए सिर्फ डाल दो पक जाएगा। जी झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक प्रखंड है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक क्या है मेरे लाडलो? प्रखंड है। वो जिला है पलामू। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पलामू में कितने प्रखंड है। आपको हम बताए थे मेरे लाडलो कि रांची में 18 प्रखंड है, दुमका में 10 प्रखंड है, जामताड़ा में 6 प्रखंड है। जी दुमका में 10 प्रखंड है, कितना बताए थे? 10। रांची में 18 और जामताड़ा जिला में 6 प्रखंड है। कमेंट में आप जरूर बताना कि याद रखिएगा पलामू में कितने प्रखंड है। जी याद रखिएगा मेरे लाडलो कि झारखंड में लगने वाला प्रसिद्ध मेला एक मेला ऐसा है जिसमें श्रद्धालु जो क्या करता है ना, अंगारों पर नंगे पांव चलता है। क्या बोले? अंगारों पर नंगे पांव चलता है। उस मेला का नाम है मेरे लाडलो, याद रखिएगा मांडा मेला।
क्या बोले, मांडा मेला, अंगारों पर नंगे पांव चलने वाला मेला का नाम क्या बताया, मांडा मेला जी। याद रखिए मेरे लाडलो कि झारखंड के उच्च न्यायालय, क्या बताया, झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे विनोद कुमार गुप्ता, क्या नाम बोले, विनोद कुमार गुप्ता, झारखंड उच्च न्यायालय के, क्या बता रहे, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, याद रखिएगा विनोद कुमार गुप्ता। एक और सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि झारखंड की कौन सी जनजाति 31वां स्थान है, या पूछ देगा 32वां कौन सा है, तो याद रखिएगा 31वां जो जनजाति का मान्यता प्रदान क्या है, वो कंवर जाति है, क्या बताया, कंवर, कंवर जनजाति जी। अब 32वां जो जनजाति को जो दर्जा दिया गया है, मान्यता दिया गया है, वो कौन जनजाति है, 31वां क्या बताया, कंवर जनजाति, क्या बताया मेरे लाडलो, कंवर जनजाति। अब 32वां क्या बताया, कोल जनजाति। हाँ, और याद रखिएगा झारखंड में, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन भी बहुत जोर शोर से चला था, झारखंड में याद रखिएगा मेरे लाडलो भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही ज्यादा जोर शोर से चला था, कहाँ पे, हजारीबाग रांची। हाँ, तो हजारीबाग में याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्या पता मेरे लाडलो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली श्रीमती सरस्वती देवी थी, क्या नाम बताया, श्रीमती सरस्वती देवी जी। इसने अंग्रेजों के कलब घर, डाक घर, उपायुक्त घर तो क्या किया, तोड़ फोड़ दिया था, कौन, श्रीमती सरस्वती देवी। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।